हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नाना धोना करके नाश्ता वगैरह बना दिया है, बच्चे तैयार हो करके स्कूल को जा चुके हैं। और तो अब फिलहाल घर का बाकी का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। फिलहाल से पहले आप लोग को बाहर का वेदर दिखाती हूँ, आज कैसा हो रहा है। धूप आ चुकी है। तो गाइस, आसमान में बादल कितने अच्छे लगे हुए हैं। कहीं कहीं सफ़ेद बादल, कहीं काले बादल हैं। धूप भी आई हुई है, बादल भी लगे हैं। देखिए, लगता है दिन तक ये थोड़ी बारिश करेगा। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। पहले आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बच्चों के लिए रख दी थी, इतनी मैंने अपने लिए रख ली है। अब मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर उसके बाद सारा घर का काम करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है। तो गाइस, मेरा घर का सारा काम हो चुका है। दरी वगैरह सब बिछा दी है और यहाँ भी सब काम निपट चुका है। सब बिस्तर वगैरह फिर गया है, यहाँ बिस्तर मैंने उठा दिया है। अब बाकी सब काम हो गया, 2 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं दिन का खाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस, अभी फ़िलहाल मेरा काम हो गया था 10:30-11 बजे समथिंग। तो थोड़ी देर मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट हो गया मेरा, 1 बजने वाला है। तो मैं फ़िलहाल खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चों का स्कूल से घर आने का टाइम हो जाता है। तो खाना वाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। ठीक है गाइस। तो आज दिन में बना रही हूँ मैं टमाटर की झोली, क्योंकि बच्चों को मेरी अच्छी लगती है, इसलिए प्याज वगैरह सब डाल दिया है। अब उसके बाद इसमें टमाटर भी डाल चुकी हूँ, थोड़ा नमक डाल देती हूँ, नमक डाल दिया है। और सारे मसाले, थोड़ा धनिया, सब्जी मसाला, मिर्च, हल्दी सब डाल करके अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ। ये बन जाता है तो फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। इसमें ढक्कन लगा दिया है और इधर मैंने चावल धो धा के रख दिए हैं, तो इनमें पानी डाल के चावलों को पकाने के लिए रख देती हूँ। इसमें डाल दिया मैंने पानी, पानी डाल के इसमें ढक्कन लगा करके इसको मैं फ़िलहाल पकने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरफ मेरे चावल रख दिए हैं मैंने, और उधर मेरी टमाटर गल रहे हैं, टमाटर वगैरह गल जाते हैं। तो थोड़ा उनको उनका फिर मैं, ये रबड़ निकल चुका है मेरे ढक्कन का, दोबारा रबड़ लगा के ढक्कन लगा के इसको रख दिया है मैंने चावल को बनने के लिए, और उधर मेरे टमाटर। मैंने टमाटर की झोली बना दी है और इधर चावल रख दिए हैं, उसे पकने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मैं बच्चों को लेके यहाँ कुमाऊं महोत्सव लगाया है, वहाँ लेके जा रही हूँ। तो मिलते हैं आप लोग को वहाँ जाके। आ गए महाराज, रोहिणी का वेट हो रहा था उतनी देर से, अब के पहुँच गए हम मार्केट में, अभी तक अब आ रहे हैं। तुम्हारा ही वेट हो रहा था अभी तक। तो इनके आने के बाद हम लोग नीचे रोड में गए, वहाँ से टुक टुक में बैठ गए और अब जा रहे हैं मेले की तरफ को। ये मैडम बाहर को देख के नज़ारों का लुफ्त उठा रही है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मेले की तरफ को, तो मिलते हैं आप लोग से मेले में जाके, मतलब वहाँ जहाँ ऑटो से उतर जाते हैं वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। टुक से उतर गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग पैदल नीचे को। तो गाइस, टुक टुक से नीचे उतर करके, वहाँ से उतर करके हम जा रहे हैं इधर मेले की तरफ। इधर लगा है सिमखनी में, ये है कॉलेज एरिया। यहाँ पहले मैंने भी यहीं से कॉलेज किया है, तो यहाँ देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि क्या पहले कैसे हम डेली यहाँ आते थे पैदल। और फिलहाल यहाँ से नीचे को जाके हम जा रहे हैं मेले में। आगे बच्चे जा रहे हैं, पीछे से मैं चल रही हूँ। और उधर लगा हुआ है मेला, ये कॉलेज के बगल में है फील्ड, तो यहाँ मेला लगा हुआ है, कुमाऊँ महोत्सव यहाँ लगा हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ जाते हैं और आप लोग को मिलते हैं। देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, कितना मस्त लग रहा है। तो वहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। झुमके देखो, अच्छा दिख गया।
लॉकेट वगैरह। बापरे वापिस घर को। झाड़ी इतनी हो रही, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। झाड़ी झाड़ी झाड़ी, पूरे पेड़ को देखो बेल ने कैसे घेर रखा है, लग प्यारा रहा है। रोड में पहुंच गया। ये महाराज को मिली होगी अब चैन की राहत। क्यों टुक-टुक वाले आए? तो हम मेले से वापस आ गए हैं और हम पहुंच गए हैं अपने मोहल्ले में। तो अभी जाते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग मेले से घर वापस आ गए हैं। अब जाके मैं घर कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, उसके बाद करते हैं हम खाने की तैयारी। सब्जी वगैरह काटती हूँ, रोटी वोटी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना वाना बन चुका है, अब खाना वाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।